राजा राम, मैंने कहता था जिसका जो कार्य है वही कार्य उसे करते रहना चाहिए, नहीं तो ये शूद्र भी एक दिन अपना सर उठाकर हमको ज्ञान पढ़ाएंगे। राजा राम, तुमको असंगत कहेंगे। शंभुक, तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैंने किसी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, मैं एक ही धर्म को मानता हूं, वो धर्म है प्रकृति का धर्म, और उसके अनुसार सभी मानव समान हैं, ना कोई ब्राह्मण है ना कोई शूद्र है। देखो, देखा इसकी जीवा कैसी लपलपा रही है। भविष्य में शास्त्र धर्म की शिक्षा लेकर तुम राजा राम को ही आह्वान दोगे। ऋषि, हमें किसी राजसत्ता और वैभव की लालसा नहीं है, हमें तो सिर्फ एक मानव जैसा जीवन व्यतीत करना है। और फिर बस समाप्त करो तुम्हारे वचन। दो अक्षर क्या पढ़ लिए, हमें ही ज्ञान की भाषा सिखाने लगे। राम, ये अपराधी है और इसे दंड मिलना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे पापियों के कारण हमारे राज्य में आपत्ति आ सकती है। आपके धर्म की पाप और पुण्य की कल्पना से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। वो सारा पाखंड आपने अपने स्वार्थ के लिए रचा है और सारी प्रजा को मूर्ख बना रहे। अपनी वाणी को रोको शंभुक, हम अपने परम पूज्य गुरु का और अपमान नहीं सह सकते। तुमने धर्मोल्लंघन किया है जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। हम अपने राज्य के ब्राह्मणों को और व्यथित नहीं कर सकते शूद्र। किंतु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का कारण मैं कैसे हो सकता हूँ? हे राजन, बड़ी नम्रता से दुस्साहस कर रहा हूं, आप तनिक अपने मन दर्पण में झांक कर तो देखें, तो आपको पता चलेगा कि आज की और कल की आपकी छवियों में कितना अंतर पड़ा है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, राजा के अहंकार को कुशल के लिए त्याग कर तो देखो। मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि देवताओं के मानेवर दशरथ पुत्र राम का इतना नैतिक पतन हो जाएगा। किसी ने बस कह दिया तो आपके सोचने की शक्ति क्षीण हो गई, राजदंड की आड़ में ऋषि का वध करने के लिए उद्युक्त हो गए। दोषी मैं नहीं राजा राम, अपितु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु के लिए दोषी आप हैं। अपनी विष उगलती जिह्वा को रोको शंभुक। मुझे भयभीत करने की चेष्टा न करो राम। जब जब किसी शूद्र ने परंपरागत सामाजिक दास्तां की बेड़ियां तोड़ने की चेष्टा की, तब तब धर्मांधों ने उसकी हत्या कर दी। मुझे मृत्यु का भय नहीं राम, एक शंभुक जाएगा तो दूसरा शंभुक निश्चित ही पैदा होगा। शंभुक मैं राम, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का लघु जीवन भी दास्ता और अपमान से भरे दीर्घायु से कई गुणा सुखकर है। अब यदि एक भी शब्द तुम्हारे मुख से और निकला तो मैं सत्य हूँ और सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की जय। 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 न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की करो जय जयकार करो। ब्राह्मणों के जाल में फंसे श्री रामचंद्र की जय जयकार करो। कपट से बालिका वध करने वाले श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करो। अपनी पत्नी का त्याग करने वाले श्री रामचंद्र की जय जयकार करो। महर्षि शंभुक का वध करने वाले राम की जय जयकार करो। करो जय जयकार करो, ताकि इनके काले कारनामों पर पर्दा पड़ता रहे। अगर तुम्हें धनुर्धारी बनना ही है तो जाओ अभ्यास करो। अभ्यास करने से कुछ भी प्राप्त हो सकता है।
प्रिय अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है, किंतु युद्ध विद्या में योद्धा को युद्ध की संपूर्ण कलाओं में पारंगत होना चाहिए। केवल एक कला में पारंगत होने से कोई भी पूर्ण योद्धा नहीं हो सकता। किंतु गुरुदेव, धनुर्विद्या को तो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तुम तो जब तब अपने प्रशंसा में मगन रहते हो। मेरी प्रशंसा? हाँ, धनुर्धारी होना। भीम, तुम्हें विषय को भटकाना अच्छी तरह आता है। भीम राता की तो ये आदत है, बिना किसी कारण के किसी से भी उलझ पड़ते हैं। किंतु नकुल, तुम क्यों भीम भ्राता की बात पर कटु टिप्पणी कर रहे हो? भीम की गदा के सामने तो बड़े बड़े धनुर्धारी मैदान छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। हम पांडव कितने भाग्यशाली हैं, जो गुरुदेव जैसे का हमें आशीर्वाद मिला। अर्जुन सत्य कह रहा है गुरुदेव, आपके विशेष प्रेम तथा वात्सल्य से ही हम पांडव सारे पृथ्वी स्थल पर अजय होंगे। मेरे प्रिय शिष्यों, मैंने हमेशा तुम सबको पुत्रवत माना है और तुम्हें शिक्षा देने हेतु अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या का भंडार तुम्हें सौंपा है, जो कौरवों के पास भी नहीं है। गुरुदेव, आज चलिए। रक्त की एक बूंद भी नहीं बिना क्षति पहुंचाए। गुरुदेव, ये कला आपने आज तक हमें नहीं सिखाई। अर्जुन, आज तक मैंने अपने मन और वचन से अपनी संपूर्ण विद्या का दान केवल तुम्ही लोगों को दिया है। पता नहीं कौन होगा ये धनुर्धारी, धनुर्विद्या का इतना श्रेष्ठ प्रदर्शन मैं भी प्रथमतः ही देख रहा हूं। ठीक है, आओ देखते हैं कौन है ये धनुर्धारी। कौन हो तुम लोग भद्र पुरुषों? तुम्हारे आगमन से मेरी एकाग्रता भंग हो रही है। मैं युधिष्ठिर, ये मेरे अनुज भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। क्षमा चाहता हूं वीर पुरुषों, मुझे पता नहीं था कि आगंतुक आप लोग हैं। क्या उस कुत्ते का मुख तुमने ही? जी हां मान्यवर, वो मेरे अभ्यास की एकाग्रता को भंग कर रहा था। कहां से सीखी है कला? कौन है तुम्हारे गुरु? मेरे गुरु हैं गुरुदेव। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। उठो वत्स। हे वीर पुरुष, कौन हो तुम? तुम्हारी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर हम प्रभावित हुए। धन्य भाग मेरे गुरुदेव, आप स्वयं चलकर मेरे अभ्यास स्थल तक आए। हे वीर धनुर्धारी, कहां से सीखी है तुमने ये कला? कौन है तुम्हारे गुरु? किस वंश के हो तुम? गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है, मैं आदिवासी हूं। आदिवासी? आदिवासी और धनुर्विद्या, किसने सिखाई है तुम्हें ये विद्या? गुरुदेव, चलिए आप स्वयं उनके दर्शन कर लीजिए। चलिए गुरुदेव। गुरुदेव, ये रहे मेरे परम पूज्य गुरु श्री द्रोणाचार्य जी। मैं और तुम्हारा गुरु? हाँ गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। गुरुदेव, आपने तो हमें वचन दिया था, फिर ये विद्या इसे कैसे सिखाई? देखो एकलव्य, मैंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कभी भी तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी। गुरुदेव, मैंने तो अपने मन से आप ही को अपना गुरु माना है। मेरा अंतर्मन सदा आप ही की पूजा करता आया है। गुरुदेव, यह आप ही की प्रतिकृति है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकलव्य, तुम ही सारा वृत्तांत विस्तार से कथन करो। गुरुदेव,
आप भूल गए? स्मरण कीजिए, कुछ वर्ष पूर्व मैं आपके पास धनुर्विद्या प्राप्त करने की कामना लेकर आया था, किंतु आपने मुझे, गुरुदेव सचमुच भूल गए मुझे? युद्ध कला में सबसे महत्वपूर्ण आयाम है एकाग्रता। योद्धा अगर एकाग्र चित्त हो तो गदाई क्या, वो किसी भी शस्त्र का प्रयोग निपुणता से कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। आज तुम लोग मेरे समक्ष शस्त्र विहीन उपस्थित हो, क्योंकि विशेष प्रयोजन से मैंने तुम लोगों को निशस्त्र यहां बुलाया है, ताकि तुम लोग एकाग्र चित्त को प्रधानता दे सको। गुरुदेव मैं आपसे एक याचना करने आया हूं। याचना? कैसी याचना? गुरुदेव, बचपन से ही मैं एक स्वप्न देखते आया हूं कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धारी बनूं। गुरुदेव, मैं आपसे याचना करता हूं कि आप मुझे विद्यादान करें। उठो वत्स, सर्वप्रथम मुझे ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो तुम, किस वंश के हो? गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है, मैं आदिवासी हूं। क्या आदिवासी? क्या सेवा धर्म छोड़कर शूद्र क्षत्रिय बनेंगे, धर्म के विरुद्ध आचरण करेंगे? शूद्र होकर धर्म उल्लंघन का विचार भी मन में लाने का साहस कैसे कर रहे हो तुम? अब तो भ्राता अर्जुन, शूद्र भी तुम्हारे साथ धनुर्विद्या सीखने लगेंगे। भ्राता भीम, अब तुम भी सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कल कोई शूद्र गदा उठाए तुमको ही ललकारने लगे। देखो एकलव्य, धर्मानुरूप धनुर्विद्या सीखने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है, और तुम्हें ये विद्या सिखाकर मैं धर्म के नियमों की बलि नहीं दे सकता। मेरा तुम्हें एक उचित सुझाव है, धनुर्विद्या सीखने का विचार तुम अपने मन से ही त्याग दो। किंतु गुरुदेव, मेरा स्वप्न। देखो एकलव्य, मैं विवश हूं, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। अगर तुम्हें धनुर्धारी बनना ही है तो जाओ अभ्यास करो, अभ्यास करने से। हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई, हम अपने राज्य के ब्राह्मणों को और व्यथित नहीं कर सकते शूद्र। किंतु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का कारण मैं कैसे हो सकता हूं? हे राजन, बड़ी नम्रता से दुस्साहस कर रहा हूं, आप तनिक अपने मन दर्पण में झांक कर तो देखें, तो आपको पता चलेगा कि आज की और कल की आपकी छवियों में कितना अंतर पड़ा है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, राजा के अहंकार को कुक्षण के लिए त्याग कर तो देखो। मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि देवताओं के मान्यवर दशरथ पुत्र राम का इतना नैतिक पतन हो जाएगा। किसी ने बस कह दिया तो आपके सोचने की शक्ति क्षीण हो गई, राजदंड की आड़ में ऋषि का वध करने के लिए उद्युक्त हो गए। दोषी मैं नहीं राजा राम, अपितु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु के लिए दोषी आप हैं। अपनी विष उगलती जिह्वा को रोको शंभुक, मुझे भयभीत करने की चेष्टा न करो। राजा राम, मैंने कहता था जिसका जो कार्य है वही कार्य उसे करते रहना चाहिए, नहीं तो ये शूद्र भी एक दिन अपना सर उठाकर हमको ज्ञान पढ़ाएंगे। राजा राम, तुमको असंगत कहेंगे। शंभुक, तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैंने किसी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, मैं एक ही धर्म को मानता हूं, वो धर्म है प्रकृति का धर्म, और उसके अनुसार सभी मानव समान हैं, ना कोई ब्राह्मण है ना कोई शूद्र है। देखा इसकी जीवा कैसी लपलपा रही है, भविष्य में शास्त्र धर्म की शिक्षा लेकर तुम राजा राम को ही आह्वान दोगे? ऋषि, हमें किसी राजसत्ता और वैभव की लालसा नहीं है, हमें तो सिर्फ एक मानव जैसा जीवन व्यतीत करना है, और फिर बस समाप्त करो तुम्हारे वचन। दो अक्षर क्या पढ़ लिए, हमें ही ज्ञान की भाषा सिखाने लगे। राम ये अपराधी है और इसे दंड मिलना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे पापियों के कारण हमारे राज्य में आपत्ति आ सकती है। आपके धर्म की पाप और पुण्य की कल्पना से मैं अच्छी तरह परिचित हूं, वो सारा पाखंड आपने अपने स्वार्थ के लिए रचा है और सारी प्रजा को मूर्ख बना रहे। अपनी वाणी को रोको शंभुक,
हम अपने परम पूज्य गुरु का और अपमान नहीं सह सकते। तुमने धर्मोल्लंघन किया है जिसके कारण